धनतेरस जैसे धन शब्द ही अपने आप ही लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी माता को धन की देवी माना जाता है। तो धनतेरस के दिन हम आभूषणों को खरीदते हैं, इसे शुभ माना जाता है, इससे आपके घर में बरकत भी रहती है। घाटी में धनतेरस पर दिन भर बाजार में धूम रही। कुल्लू, लोअर ढालपुर, अखाड़ा, भुंतर, पतलीकूहल सहित सभी बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। खासकर महिलाओं ने धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी की। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी व बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। वहीं ढालपुर मैदान में अस्थायी मार्केट में लगी बर्तनों की दुकानों में लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जमकर बर्तनों की खरीदारी की। मैं बता देता हूँ आप फोटो वो ऐसे पीस में से आते हैं। अच्छा अच्छा पीस में है टाग ये बन रहा है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धनतेरसी की बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों आज मंगलवार 29 अक्टूबर के दिन में संयोग से भौम प्रदोष भी है। जिस दिन भौम प्रदोष युक्त धनतेरसी हो उसका विशेष महत्व बताया गया है और आज संयोग से विजय मुहूर्त भी बन रहा है। और इस शुभ मुहूर्त में यदि हम स्वर्ण या चांदी या पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस जैसे धन शब्द ही अपने आप ही लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी माता को धन की देवी माना जाता है। तो धनतेरस के दिन हम आभूषणों को खरीदते हैं, इसे शुभ माना जाता है, इससे आपके घर में बरकत भी रहती है। तो मैं भी आज इसी पर्पज से यहाँ पे आई थी और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से मेरा भी नंबर लगा और मैंने चांदी की दो चेने ली अपने बच्चों के लिए ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, क्योंकि आज का दिन धनतेरस के साथ साथ धनवंतरि जी का दिन भी माना जाता है। और धनवंतरि जी जो है वो आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त वही अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो इसलिए हम चांदी को जो है अच्छे स्वास्थ्य और सेहत से भी देखते हैं। तो ये दोनों पर्पज को फुलफिल कर रहा है, धनतेरस को भी और धनवंतरि जी के प्राप्ति उत्सव को भी। आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन त्यौहार ये बड़ी खुशियों से मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात इस दिन सोने चांदी की बहुत ज्यादा परचेजिंग होती है। और जैसा कि पिछली बार का भी देखें और इस बार का भी देखें तो इस बार अच्छा रश चला हुआ है और सोने में भी रेट में भी उछाल है और ग्राहकों का भी बहुत ज्यादा फ्लो चला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर देखते हैं धनतेरस के त्यौहार को एक तरीके से देखा जाए तो इस दिन सोना और चांदी सोना खरीदना शुभ होता है।